स्टूडेंट्स आपको जो वर्क करना है रजिस्टर पर वो देख लीजिए, हेडिंग आप डालेंगे ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स, उसके बाद आपने दूसरी हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हेडिंग डालेंगे और टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हेडिंग आएगी ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स की, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है ब्लड टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद आपने ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की हेडिंग डालनी है। इस तरीके से 1-2 करके लिख लेना है। फर्स्ट हेडिंग आएगी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दिस से लेकर आप सेकंड लाइन पर लिखेंगे विद टिश्यू, ठीक है। इन दिस टाइप से लेकर विद टिश्यू तक आपने जो है ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम तक लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हेड डालनी है और लिखना है दिस टाइप से लेकर विद टिश्यू तक, दिस टाइप से लेकर विद टिश्यू तक ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है वो डेफिनेशन है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ आपका ये था ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, इसके अलावा टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको जिस तरीके से मैंने आपको वर्क बताया है इस वर्क को आप कर लीजिएगा, इसके अलावा साथ साथ जो है वो वर्क आप याद करते रहें पेपर के लिए, ठीक है। क्योंकि पेपर के डेज ज़्यादा दूर नहीं है, आपको जितना वर्क करवाया जा रहा है वो साथ साथ, जैसे मैं क्लास में कहती रही हूँ इस तरीके से आपको अभी मैं ऑनलाइन भी कह रही हूँ कि आपने अपने प्रिपरेशन जो है वो स्लो नहीं करनी है, बल्कि उसको बहुत फास्ट लेकर चलना है ताकि पेपर से पहले ही प्रिपरेशन हो जाए एग्ज़ाम की, ठीक है। अब आज के लिए इतनी ही, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।